इस वक्त मेरे भैया का मसला नहीं है, तुम्हारी अम्मी की ईगो का मसला है। लड़ाई उन्होंने शुरू की थी, मेरे भैया का सिर्फ मुंह बना हुआ था और उनका मूड ही ऐसा है। उनका मूड ऐसा नहीं, उनका मुंह ही ऐसा है। बिहेव। पहले ना तुम अपनी अम्मी को मेरे घर दोबारा रिश्ता लेने के लिए भेजो, फिर मेरे भैया को ब्लेम कर। बाय। भी बिल्कुल अम्मी पर गई है। अब मेरे ख्याल से आप लोग मुझे नहीं जानते। मैं मुराद की कुलीग हूँ, उसके साथ ऑफिस में काम करती हूँ। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। आई डोंट नो मुराद ने मेरा जिक्र कभी किया है या नहीं। तो तुम हो अजरा? आप जानती हैं मुझे? कौन नहीं जानता, तुम्हारा जिक्र रोज होता है हमारे घर में। उस लड़की को इस घर का रास्ता दिखाते हुए तूने ये नहीं सोचा कि तेरे घर में जवान बहने हैं? एक गैर औरत जब चुस्त पेंट पहनकर बगैर दुपट्टा लिए हुए इस घर में दंदनाती भी आएगी और अपने मुंह से तेरा रिश्ता मांगेगी तो क्या असर पड़ेगा तेरी बहनों पर? कल को ये भी बुजुर्गों पर लानत भेज के निकल पड़ेगी अपने रिश्ते मांगने। इन्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा। ये हमेशा ऐसी अपनी मर्जी चलाते हैं मुझ पे भाभी। एक मिनट, आज तक जो भी होता है हमारी नहीं तुम्हारी मर्जी से होता है। लाड प्यार अपनी जगह, लेकिन लिमिट्स क्रॉस करने की इजाजत नहीं देंगे तुम्हें।